हेलो नमस्कार, मैं रामनिवास सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों का चैप्टर चल रहा है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। इस वीडियो से पहले हम लोग 3 वीडियो पढ़ चुके हैं जिसमें इस चैप्टर की सारी जो थ्योरी बनती है, जो संभावित थ्योरी रहती है, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज से हम लोग इस चैप्टर में जो भी बेसिक से लेकर हाई लेवल तक क्वेश्चन बनते हैं यानी न्यूमेरिकल बनेंगे, उनके ऊपर अपन लोग चर्चा करेंगे। पहले हम लोग आसान आसान से जो न्यूमेरिकल है उनके ऊपर बातचीत करेंगे और उन न्यूमेरिकलों से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट रहेंगे यानी जो भी थ्योरी रहेगी उसको भी साथ साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे अगर हम लोग बात करें कि कुछ सीरीज से रिलेटेड न्यूमेरिकल यानी क्वेश्चन हमारे बनते हैं और सीरीज से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे उसको हम कई प्रकार से कर सकते हैं, यानी कई टाइप से कर सकते हैं। 2 या 3 टाइप से मैं ही आप लोगों को बताऊंगा कि इन क्वेश्चनों को किस किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। तो आज जो क्वेश्चन करेंगे उससे रिलेटेड कुछ बेसिक सी थ्योरी यानी बेसिक से कॉन्सेप्ट और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मैं क्वेश्चनों के साथ साथ बताऊंगा आप लोगों को। अगर हम लोगों को कोई सीरीज दी है और उस सीरीज में हमारे को कुल पदों की संख्या यानी वो जो सीरीज है उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, हमारी कुल पदों की संख्या कितनी है, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उस सीरीज का जो लास्ट नंबर रहेगा अंतिम पद उसमें से हम लोग प्रथम पद यानी फर्स्ट नंबर को माइनस करेंगे, अपॉन में कॉमन डिफरेंस यानी सर्वांतर रखेंगे और उसमें प्लस क्या कर देंगे, 1 कर देंगे यानी ऐड कर देंगे हम लोग 1। 1 क्यों ऐड कर देंगे, क्योंकि हमारा एक नंबर क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है इसीलिए। आगे अगर हम उसी सीरीज का सम फाइंड करें यानी उसी सीरीज का अगर हम लोग योग ज्ञात करें कि उस श्रेणी का जो योग होगा वो क्या होगा, यानी उन सभी नंबरों को अगर हम जोड़ें तो वो कितना आएगा, जो हमारा सम आएगा वो कितना आएगा। तो आप उस सीरीज का अंतिम पद रखें यानी लास्ट नंबर रखें, उस सीरीज का प्रथम पद रखें और उसको कितने से डिवाइड करें, हम लोग 2 से डिवाइड करें और उसमें मल्टीप्लाई करना कितने का, n का। अभी n कहाँ से आएगा, तो n हमारा कहाँ से आएगा, यहाँ से हम लोग n यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यानी कुल पदों की संख्या हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। तो एक तो आप लोग इससे कैलकुलेट कर सकते हो सम। अगला सम आप लोग अगर सीरीज समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक सीरीज बढ़ रही है तो आप लोग सम यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो। आप लोग या तो साथ साथ में इसको लिखते रहें या थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप लोग लिखें इसको। तो अगर हम लोगों को कोई सीरीज जो समांतर श्रेणी है कैसे पता चलेगा, तो हम लोगों को पता चलेगा कि आप हर टर्म्स यानी पहली और जो उसके बाद वाली टर्म्स है, पहला पद और जो उसके बाद वाला पद है, उन दोनों का अगर आप डिफरेंस निकालोगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे यानी अंतर निकालोगे तो वो हमेशा समान आएगा। तो फिर वो हमारी कौन सी श्रेणी होगी, समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक सीरीज होगी। यहाँ अगर हम लोग बात करें तो इस सीरीज का ये जो रहेगा, जो पहला पद रहेगा, इसको हम प्रथम पद बोलेंगे। इनमें आपस में जो डिफरेंस रहेगा, जो अंतर रहेगा, उसको हम कॉमन डिफरेंस या सर्वांतर बोलते हैं। और जो सीरीज है जिसमें टोटल कितने पद हैं यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, उसको हम एन से डिनोट करेंगे यानी कुल संख्या है उसको बोलेंगे। आगे अगर हमारे को सीरीज की फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर दिया हुआ है तो हम सम कैसे कैलकुलेट करेंगे यानी योग कैसे ज्ञात करेंगे, तो सम कैलकुलेट करेंगे हम n अपॉन 2 यानी जितनी हमारे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकली हैं वो a यानी प्रथम पद फर्स्ट टर्म, l यानी लास्ट नंबर अंतिम पद, जो भी हमारा इधर अंतिम पद आएगा, जो हमारा l रहेगा वो l क्या रहेगा, हमारा अंतिम पद यानी लास्ट नंबर। अगर आप लोगों को लास्ट नंबर नहीं दिया है तो फिर हम लोग समांतर श्रेणी यानी जो अर्थमेटिक सीरीज है उसका योग यानी सम कैसे फाइंड करते हैं, तो वो करते हैं n अपॉन 2, n हमारी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं, n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फिर हम लोग इस प्रकार से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चनों के ऊपर बातचीत करते हैं, एकदम बेसिक 0 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम लोग और फिर जितने भी टाइप के इसमें क्वेश्चन बनेंगे उन सभी टाइप के क्वेश्चनों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आप लोगों ने या तो इसको लिख लिया होगा, ना लिखा हो तो आप पॉज करके थोड़ा सा लिख लें। एक एक क्वेश्चन को जितने भी टाइप से हम लोग कर सकते हैं उन सभी प्रकार से हम लोग उस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन जिसमें हम एक सीरीज लेते हैं यानी एक श्रेणी लेंगे और उसका योग फाइंड करना है, सम फाइंड करना है हमारे को। तो हम लोग एक सीरीज लेते हैं, एक एग्जाम्पल या बात करें सीधे क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 1। एक सीरीज हमारी 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे लगातार 60 तक और क्वेश्चन है कि आप इस सीरीज का योग फाइंड करो यानी योग ज्ञात करो, ठीक। या बात करें आप इस सीरीज का सम कैलकुलेट करो, आप इस सीरीज का योग ज्ञात करो या सम ज्ञात करो।
तो इस सीरीज में तो हमारा सीधा सीधा है कि भाई 1 से स्टार्ट हुई है और 60 तक जा रहा है, तो हमारा जो n होगा यानी कुल पदों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 60 होगी। तो यहाँ तो हम लोग सीधा लिख सकते हैं, फिर भी अगर आप में से किसी को फॉर्मूला लगा के देखना है कि सर कैसे इससे हम लोग कैलकुलेट करें, तो हम लोग यहाँ से चर्चा करेंगे और भी क्वेश्चन लेंगे। तो चलो मैं आप लोगों को फॉर्मूले से बता दे रहा हूँ कि अगर आप लोगों को n कैलकुलेट करना है तो अंतिम पद कितना है, 60 है, पहला पद कितना है, -1 है, इनका जो डिफरेंस है, इनका जो अंतर है, जो डिफरेंस है वो 1 का है, सबका 1 का 1 और +1। 60 में से अगर आप 1 को माइनस करोगे तो 59, 1 से डिवाइड करोगे 59, और 59 में अगर आप लोग 1 ऐड करोगे तो कितना, 60। यानी कुल पदों की संख्या चाहे तो आप डायरेक्ट देख सकते हो तो 60 है, या आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करें तो भी कितनी है, 60 है। अगर हम लोग इस सीरीज का सम कैलकुलेट करें, सम यानी योग ज्ञात करें, और भी इस क्वेश्चन को कई तरीके से कर सकते हैं, अपन इसको लिख लेते हैं, ये हमारी मेथड नंबर 1 है। मैं मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 3, 2-3 मेथड बता दूंगा इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करने की। तो पहले हम लोग मेथड नंबर 1 की चर्चा कर लेते हैं, योग सम कैलकुलेट करें। पहले हम इसी से करते हैं क्योंकि इससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, फिर हम लोग अलग अलग प्रकार से कि डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर भी चर्चा हम लोग कर लेंगे। सम यानी योग, अंतिम पद हम लोगों को योग ज्ञात करना, अंतिम पद कितना है, 60, प्लस प्रथम पद कितना है हमारा, 1। हम लोग इसको सीधे सीधे डायरेक्ट एक लाइन में भी कैसे करते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन पहले बेसिक से कैसे करते हैं, जितने सीरीज के क्वेश्चन आएंगे उनको ऐसे बेसिक से कैसे करते हैं, अगर आप लोगों को चीज़ें ध्यान भूल गई तो ठीक। तो आप लोग पहले बेसिक से समझो, फिर इनके सीधे सीधे कैसे तरीके रहते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। सम यानी योग, 60 प्लस 1 यानी अंतिम पद प्लस प्रथम पद अपॉन में 2 इंटू में कितना, एन, एन कितना है, 60। तो आप लोग यहाँ से इसको कैंसिल आउट करोगे तो 30 आएगा, और 60 और 60 61 हो जाएगा, और 61 का आप लोग अगर 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 30, 1830। तो इस सीरीज का जो योग आएगा, जो सम आएगा, वो कितना आएगा, 1830, ये हमारा क्या रहेगा, आंसर। तो एक मेथड तो हमारा ये रहता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि आप लोग n कैलकुलेट करो, तो n कैलकुलेट करने की यानी जो कुल पदों की संख्या उसे ज्ञात करने की विधि मैंने मेथड आपको बता दी। आगे इस सीरीज का सम हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं तो उसके लिए मैंने आप लोगों को बता दिया। अब कुछ चीज़ें रहती हैं हमारी कि कुछ सीरीजें ऐसी रहती हैं, जैसे सीरीज अगर हमारी 1 से स्टार्ट हुई है तो उसको उसका जो डायरेक्ट सम है हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर कोई सीरीज हमारी इवन नंबर वाली है तो उसका सम कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर कोई सीरीज हमारी ऑड नंबर वाली है तो उसका सम यानी उसका योग कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम दूसरी मेथड की बात करें तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सीधा करने का जो तरीका रहता है वो क्या रहता है, तो अगली बात करते हैं मेथड नंबर 2 की। आप लोगों को जो भी बेहतर लगे आप उससे कर सकते हैं, परंतु ये बेसिक है जिसको हम हर क्वेश्चन में लगा सकते हैं। अगर यहाँ हम लोग बात करें, इस जो सीरीज है वो 1 से स्टार्ट है, 1 से शुरू है, 1 2 3 लगातार चल रही है, तो ऐसी सीरीज यानी ऐसी श्रेणी जो हमारी 1 से चालू हो और लगातार चलती रहे, तो ये जो नंबर हैं वो सारे के सारे नंबर हमारे नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। तो मेथड नंबर 2, अगर हमारी सीरीज 1 से स्टार्ट हुई और लगातार चलती रही, जिसको हम बोलेंगे प्राकृतिक संख्याएं, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं, n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n n+1/2। तो ये मेथड नंबर 2 इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करने की। अगर सीरीज हमारी 1 से स्टार्ट है और लगातार चलती जा रही है और लास्ट नंबर भी हम लोगों को पता है, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग जो रहेगा वो कितना रहेगा, n n+1/2, या n कितना, तो अभी अपन लोगों ने n कैलकुलेट किया था, 60, या फिर अपन लोगों ने नहीं भी किया तो सीरीज 1 से स्टार्ट है, 60 तक हम लोगों की सीरीज जा ही रही है, तो n की वैल्यू कितनी है, 60 है। तो यहाँ हम लोग इस सीरीज का योग डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, योग क्या रहेगा, तो योग रहेगा हम लोगों का n यानी 60, या जो n है वो अंतिम पद जो भी रहेगा हमारा, अगर सीरीज हमारी 1 से लगातार स्टार्ट है तो हम लोगों को अलग से n कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग लास्ट नंबर को n मान सकते हैं। सम क्या रहेगा, n n+1/2, 60, और 60 + 1 क्या रहेगा हमारा, 61, और अपॉन में 2, कैंसिल आउट करो, 30 इंटू करना, 1830 आंसर। तो आप लोग
मेथड नंबर दो इस प्रकार से भी ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग कर सकते हैं। अगर इसी की हम बात करें तो एक और मेथड रहती है, मेथड तीसरी, कि ये जो सीरीज है वो हमारी समांतर श्रेणी भी है। ये जो सीरीज है, ये जो श्रेणी है, वो हमारी समांतर श्रेणी भी है। और समांतर श्रेणी जो अर्थमेटिक सीरीज है उसका मैंने अभी आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया था, उम्मीद है आप लोगों ने छाप लिया होगा। तो ये मेथड नंबर दो इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने की, अगली मेथड तीसरी और हम लोग चर्चा कर लेते हैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की। आपको जो बेहतर लगे आप लोग उससे कर सकते हैं। मेथड नंबर तीसरी, ये जो सीरीज है वो हमारी समांतर श्रेणी भी बन रही है, क्योंकि जो डिफरेंस है वो समान है, तो ये जो श्रेणी है वो हमारी कौन सी श्रेणी बन रही है, समांतर श्रेणी भी बन रही है। अगर समांतर श्रेणी बन रही है तो उसमें जो ए की वैल्यू है, प्रथम पद है, वो कितना है हमारा, वन है, और जो सभी का डिफरेंस है वो कितना है हमारा, देखो भाई यहाँ वन और टू का डिफरेंस वन, टू और थ्री का डिफरेंस वन, वन है। और अगर हम यहाँ पर लास्ट नंबर की बात करें तो लास्ट नंबर कितना है हमारा, 60 है, कितना है, 60 है। और इस सीरीज में डिफरेंस वन का और वन से स्टार्ट हुई है, तो आप लोग यहाँ एन भी मान सकते हैं, कितना, वन टू थ्री लगातार चल रही, 60 तक गई है, तो एन भी कितना होगा, 60 होगा। या मैंने आप लोगों को बता दिया, जब आप लोगों को दिक्कत हो तो कुल पदों की संख्या हम लोग इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को जब लेक्चर शुरू किया था उसी समय बताया था कि अगर किसी समांतर श्रेणी का अंतिम पद दिया हो और पहला पद दिया हो तो फिर आप लोग डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, क्या योग क्या होता है, योग यानी सम क्या होता है, ये कब लगाना है, जब आपको पहला पद दिया हो अंतिम पद दिया हो किसी भी समांतर श्रेणी का, तब डायरेक्ट योग क्या होता है, तो वो सम रहता है हमारा एन अपॉन टू और ए प्लस एन। एन की वैल्यू 60 अपॉन में 2, ए की वैल्यू 1 प्लस एल की वैल्यू 60 जो अंतिम पद है हमारा, हम लोग यहाँ से कैंसिल आउट करते हैं, 30 60 और 61 का 30 में इंटू करोगे तो 1830, ये हमारा आंसर है। तो आप लोग एक क्वेश्चन को एक दो या तीन मेथड से आप लोग कर सकते हो, मैंने आप लोगों को तीन मेथड बताई, ठीक, फिलहाल आपको जो ठीक लगे आप उससे कर सकते हैं। ये जो मेथड है वो बेसिक है, ये जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिक है, जिसको आप लोग हर क्वेश्चन में लगा सकते हो इस प्रकार के में, फिर बाकी चीज़ें जो मैं आप लोगों को आगे लगातार बताता चल रहा हूँ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं, ये सीरीज हमारी वन से स्टार्ट है और लास्ट किसी नंबर तक गई है। अब हमारी जो सीरीज अगली, कि हम सपोज करते हैं अगले क्वेश्चन में कि जो सीरीज है वो वन से स्टार्ट नहीं है, कहीं बीच से स्टार्ट है, जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं या क्वेश्चन नंबर दूसरा लेते हैं, या क्वेश्चन नंबर हम लोग दूसरा लेते हैं, आप लोग इन चीज़ों को नोट डाउन करते रहें जिससे आपको सही तरीके से समझ में आएगा। अगर आप नोट डाउन नहीं कर रहे हैं तो फिर आप लोग भूलते जाओगे। और अगर आपको थ्योरी पढ़ना है तो इससे पहले मैंने जो थ्योरी के तीन वीडियो अपलोड कर रखे हैं या डाल रखे हैं वीडियो को, आप लोग पहले जाकर उनको देखें। तो हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। अभी जो हम लोगों ने पहला क्वेश्चन लिया था वो हमारा वन से स्टार्ट हुआ था, अब हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं जो कहीं हम लोग बीच से स्टार्ट करते हैं, जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं 21, 22, 23, ऐसे जो हमारी सीरीज गई है वो कहाँ तक गई है, 75 तक। और आप इस सीरीज का योग या बात करें सम कैलकुलेट करो, यानी योग याद करो या सम कैलकुलेट करो, तो आप इसको भी कर सकते हैं, मेथड नंबर वन से कर सकते हैं, मेथड नंबर टू से कर सकते हैं, पर थोड़े थोड़ी सी जो दिक्कतें रहेंगी वो मैं आप लोगों को सॉर्ट आउट करता रहूँगा, ठीक है। तो चलते हैं अपन लोग बात करते हैं। अगर हम बात करें इसमें कि ये सीरीज जो हमारी 21 से स्टार्ट हुई है 75 तक जा रही है, तो पहला तरीका ये जो आपके सामने लिखा उसी से मैं आप लोगों को बताता हूँ, 21 से 75 तक ये कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ये पदों की संख्या कितनी है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मैं आपको पहले मेथड नंबर वन से बता रहा हूँ फिर मेथड टू से बता दूंगा। तो यहाँ अगर हम लोग बात करें तो कुल पदों की संख्या मैंने आप लोगों को बता रखा, अगर हम लोगों को एन कैलकुलेट करना है तो जो लास्ट नंबर है वो कितना है, 75 है, जो फर्स्ट नंबर है वो कितना है, 21 है, सर्वांतर है यानी जो डिफरेंस है इनमें वो कितने का है, वन का है, सब में वन वन का डिफरेंस है, 75 माइनस 21 यानी अंतिम पद माइनस प्रथम पद और सर्वांतर, सर्वांतर यानी जो डिफरेंस है वो वन वन का है और प्लस कितना, वन। अगर हम लोग यहाँ से इसको कैलकुलेट करें तो 75 में से अगर 21 माइनस करें तो 5 में से 1 जाएगा तो 4, आगे बात करें तो 7 में से 2 जाएगा तो 5, 1 से डिवाइड करो तो 54 ही आएगा, और प्लस 1 कर देते हैं
यानी एन की वैल्यू आ जाएगी 55। यहाँ जो कुल पदों की संख्या जो रहेगी हमारी वो कितनी रहेगी, 55। अब इस सीरीज का अगर हम लोगों को सम कैलकुलेट करना है, सम यानी योग ज्ञात करना है, तो फिर आप लोग इस फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, यानी डायरेक्ट मान को हम लोग यहाँ रख सकते हैं। जैसे सम यानी योग क्या होगा, अंतिम पद कितना है हमारा 75, प्रथम पद कितना है हमारा 21, प्रथम पद कितना है हमारा 21। आगे अगर बात करें अपॉन में कितना है हमारा तो 2, और मल्टीप्लाई बाय एन, एन यानी 55। अगर आप लोग 75 और 21 को ऐड करोगे तो 5 और 1 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 5 और 1 अगर ऐड करेंगे तो 6 आएगा, और 7 और 2 अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 96 इंटू 55 और अपॉन में कितना 2, अपॉन में 2। आप लोग अगर इसको कैंसल आउट करेंगे तो कैंसल आउट करने के बाद यहाँ जो बचेगा हमारा वो 48 बचेगा, ठीक, कितना बचेगा 48। तो आप लोग यहाँ से कैंसल आउट करना, 48 बचेगा और इन दोनों का इनटू करना तो हमारा 2640 ये हमारा आंसर आएगा। यानी अगर आप लोग इस सीरीज के हर टर्म्स को ऐड करते जाओगे, ऐड करते जाओगे 75 तक, तो कितना आएगा आपके पास, जो नंबर आएगा वो 2640 आएगा, यानी 2640 आएगा। तो एक मेथड तो इसकी ये रहती है हमारी कि आप लोग यहाँ से टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करो, यानी टोटल नंबर ऑफ जो हमारे कुल पदों की संख्या है उसको ज्ञात करो, और फिर हम लोग क्या ज्ञात करें, योग ज्ञात करें, यानी इस सीरीज का सम। तो हम लोग अंतिम पद, प्रथम पद, अपॉन में 2 इंटू एन रख दो। अगर हम लोग दूसरी मेथड से बात करें तो आप लोग इसको फिर से कर सकते हो, फिर से आप लोग इसको कर सकते हो, जो हमारी समांतर श्रेणी है उस मेथड से आप लोग कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को दूसरी मेथड बताता हूँ। फिलहाल मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इतना लिख लिया होगा। अगर आप लोग इतनी जल्दी नहीं लिख पा रहे हैं तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो को पॉज करते जाएं और चीज़ें लिखते जाएं। अब हम लोग सेकंड मेथड की बात करते हैं, तो ये भी हमारी एक अर्थमेटिक सीरीज है, समांतर श्रेणी है, क्योंकि डिफरेंस कैसा है, समान है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर है वो हमारा कितना है, 21 है, और एन अभी मैंने आप लोगों को कैलकुलेट करके बताया 55 है, और जो डिफरेंस है हमारा, चलो यहाँ लिख लेते हैं 1 है, जो डिफरेंस है वो कितना है 1 है, और जो लास्ट नंबर है वो कितना है हमारा 75 है, जो लास्ट नंबर है वो कितना है 75। मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि अगर फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर किसी सीरीज का दिया है तो आप समांतर श्रेणी का जो मैंने फॉर्मूला बताया था उससे आप लोग डायरेक्ट योग यानी सम कैलकुलेट कर सकते हो। एन अपॉन टू यानी 55 अपॉन टू, ए प्लस एल ये कितना है 21 है, प्लस एल कितना है 75 है। अगर आप लोग 21 और 75 को ऐड करोगे तो 96 आएगा। आप यहाँ 2 से कैंसिल आउट करोगे 48 आएगा, और 48 का 55 में इंटू करोगे तो 2640 आएगा, 2640 आएगा। तो ये अपना किससे हो गया, तो ये अपना समांतर श्रेणी वाला जो मैंने आप लोगों को फार्मूला बताया था ये उस फार्मूले से हो गया, यानी ये हमारी मेथड नंबर 2 हो गई है। अगला अगर कोई चाह रहा है सर नहीं, हम तो एन जो नेचुरल नंबर वाला फार्मूला था, यानी एन प्राकृतिक संख्याओं वाला था, उससे करना चाहते हैं, तो भाई फिर आपकी ये सीरीज है वो 1 से स्टार्ट नहीं है, और 1 से स्टार्ट नहीं है तो फिर वो फार्मूला आपका लगेगा नहीं। पर कैसे लगेगा उसके बारे में मैं मेथड नंबर 3 में आप लोगों को बताता हूँ वो फार्मूला कैसे लगेगा। तो अगली मेथड नंबर 3 से इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर सकते हैं, जो मैंने आप लोगों को थोड़ा पहले बताया था कि एन प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है, सम रहता है, वो क्या रहता है, तो वो रहता है हमारा एन, एन प्लस 1 अपॉन 2। तीसरा जो मैंने आप लोगों को बताया था कि एन प्राकृतिक संख्याओं का योग, योग सम क्या होता है, एन एन प्लस 1 अपॉन 2, परंतु वो जो संख्या है, वो जो नंबर है, वो हमारे 1 से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक। तो ये सीरीज हमारी 1 से स्टार्ट नहीं है, तो उसको पहले 1 से स्टार्ट करो। 1 से स्टार्ट अगर हम करेंगे मेथड नंबर 3, तो 1 2 3 ऐसे 20 तक हम लोगों को इसमें नंबरों को ऐड करना पड़ेगा। तो 1 से 20 तक हम लोगों ने नंबर ऐड किए, फिर इस सीरीज को इसी में हम लोग आगे जॉइंट कर देते हैं, 21 22 23 ऐसे ये सीरीज हमारी 75 तक। तो जो नंबर हम लोगों ने ऐड किए हैं वो नंबर ऐसे ही ऐड नहीं कर सकते किसी भी सीरीज में या किसी भी नंबर में, जो हम लोगों ने ऐड करे, ऐड क्यों करे हैं, क्योंकि हम उस सीरीज को 1 से स्टार्ट कर सकें। अगर हम उस सीरीज को 1 से स्टार्ट कर पाएंगे तभी हम लोग उसमें इस सम का, योग का फॉर्मूला लगा पाएंगे। तो ये सीरीज हमारी 1 से स्टार्ट हो गई। अब हम लोगों ने जो चीज़ ऐड की है उसी को माइनस कर देते हैं, 1 2 3
और 20 तक, और कहाँ तक 20 तक। अब आप लोगों के पास दो सीरीज, एक सीरीज ए हो गई और एक सीरीज ए हो गई, और ए सीरीज भी वन से स्टार्ट है और ए सीरीज भी हमारी कहाँ से स्टार्ट है, वन से स्टार्ट है। तो हम लोग इसमें अब डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि एन जो नेचुरल नंबर है उनका सम क्या होगा, यानी एक से लेकर जो हमारी प्राकृतिक संख्या उनका योग क्या होगा। तो यहाँ अगर हम एन कर रहे हैं कैलकुलेट, तो एन कितना होगा 75, टोटल 75 नंबर हैं। यहाँ अगर हम एन कैलकुलेट करें तो डायरेक्ट वन से स्टार्ट है 20 तक है, तो यहाँ एन 20 होगा। अब हम लोग यहाँ कुल योग, कुल जो योग है टोटल सम है वो क्या होगा, तो हम इसका सम में से इस सीरीज का सम को माइनस कर देंगे, तो हमारा यहाँ 21 से लेकर 75 तक ही आएगा, क्योंकि 1 से 20 हमने ऐड किया उसी को हम माइनस कर दे रहे हैं, तो फिर हमारा इसी सीरीज का क्या आएगा, सम आएगा। कैसे देखो, एन 75 है तो जो हमारी प्राकृतिक संख्या उनका योग क्या होता है, एन एन प्लस 1/2। एन हमारा 75 है तो 75 प्लस 1/2 कितना 2, माइनस यहाँ एन हमारा 20 है तो 20 प्लस 1/2, 20 प्लस 1/2। यह हमारा 75 और 1 कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। अभी मैथमेटिक्स है तो थोड़ा सा लाइनों को बढ़ाते नहीं है, यही कैंसिल आउट करते हैं 76। हम लोग इसको कैंसिल आउट करते हैं। अगर हम लोगों ने 76 को कैंसिल आउट किया तो 76 को कैंसिल आउट करने के बाद हमारे पास कितना बचेगा, 38 बचेगा। कितना बचेगा, 38 बचेगा। 38 का 75 में अगर आप मल्टीप्लाई बाई करोगे यानी इनटू करोगे तो कितना बचेगा, तो हमारे पास 28 और आगे आएगा। आगे हम लोग अगर यहाँ से बात करें तो हम इसी को कैंसिल कर देते हैं, 10 कितना आ गया, 10। अब हम लोग इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इनको माइनस कर लेते हैं, ठीक है, कितना आएगा क्या आएगा इसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग इसका इनटू करें 38 का 75 में, तो आएगा हमारा 3850, और यहाँ 2 और 21 हो जाएगा, ये 21 का 10 में करो तो 210, यानी यहाँ आप लोग 3850 में से 210 यानी 210 को अगर माइनस करोगे तो कितना आएगा हमारा, तो आएगा हमारा 2640। तो ये इस सीरीज का क्या है, हमारा सम है, ये इस श्रेणी का योग है। तो ये हमारा इस श्रेणी का योग है। तो हम लोगों ने ये क्वेश्चन को, इसको करने के भी मैंने आप लोगों को तीन मेथड बताए, आपको जो बेहतर लगे आप लोग उससे कर सकते हो, और अगर आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा है तो आप लोग वीडियो को थोड़ा फिर से देख सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरे से बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड से हम लोग चर्चा करते हैं। तो अभी हम लोगों ने जो दो क्वेश्चन किए वो क्या थे, कि एक सीरीज हमारी वन से स्टार्ट हो रही थी, दूसरा क्वेश्चन किया वो क्या किया कि एक सीरीज है जो हमारी बीच से स्टार्ट हो रही है। अब अगला जो क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चनों में हम लोग जो सीरीज है वो इवन नंबर वाली सीरीज लेते हैं। जो इवन नंबर वाली सीरीज होगी वो क्या होगी, उसको हम लोग लेते हैं कि भाई इवन जो नंबर रहते हैं उनका योग कैसे ज्ञात करते हैं हम लोग, उनका सम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं आगे। आप लोग इन क्वेश्चनों को भी और इन मेथडों को नोट करते जाना, अगर आप इतना जल्दी नोट नहीं कर पा रहे हो तो थोड़ा वीडियो को पॉज करके नोट करते जाना। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम तीसरे नंबर का। तो अभी ये दो सीरीज थी, तीसरी सीरीज जो है वो हमारी किस प्रकार से हो सकती है उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं, और उसको करने के भी कई तरीके होते हैं, उन पर भी अपन लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे कि जो हमारे इवन नंबर हैं, जो सम संख्या हैं, उनके लिए और क्या क्या हो सकता है। तो एक सीरीज हम लेते हैं 2, 4, 6, 8 और ऐसे लगातार कहाँ तक, 60 तक, 60 तक। तो ये हमारी सीरीज है, एक इवन नंबर वाली सीरीज है, सम संख्याओं वाली श्रेणी है, और इसका हम लोगों को योग ज्ञात करना है, सम कैलकुलेट करना है। अभी थोड़ा हम बेसिक क्वेश्चन और इस चैप्टर में जितने भी जीरो से एकदम जितने भी हाई लेवल तक क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी के ऊपर चर्चा करेंगे। अभी अपन लोग एकदम बेसिक क्वेश्चनों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो अगर हम लोग यहाँ बात करें तो पहले मेथड नंबर वन, तो मेथड नंबर वन तो सब में फिर हम लोग इसी को अप्लाई करते जाएंगे, जिससे क्या थोड़ा सा आपका एक फ्लो बन जाए, और फिर बाकी और भी मेथड रहती हैं, इससे भी शॉर्ट रहेगी, मैं उसको भी आप लोगों को बताऊँगा। ये जो मेथड नंबर वन है उससे भी शॉर्ट रहेगी, उसको भी मैं आप लोगों को बताऊँगा।
अगर एम वन में बात करें तो सबसे पहले एन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैंने एन को कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों को ये पहले ऊपर बता रखा है कि भैया कुल पदों की संख्या टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो भैया जो लास्ट नंबर है वो 60 है, जो पहला नंबर है इस बार 2 है, अपॉन में जो डिफरेंस है इस बार जो डिफरेंस है वो 2 2 का है, तो अपॉन में 2 और प्लस कितना 1। अगर आप लोग 60 में से 2 माइनस करोगे तो हमारा कितना आएगा 58, और 58 को अगर आप लोग 2 से डिवाइड करें तो कितना आएगा 29, और 29 में अगर आप लोग 1 ऐड करो तो कितना आएगा 30। आपको समझ में नहीं आया तो आप लोग एक बार और सुनो। हम लोग अगर श्रेणी में कुल पदों की संख्या ज्ञात करते हैं तो क्या करते हैं, अंतिम पद में से प्रथम पद को माइनस करते हैं, अपॉन में सर्वांतर यानी डिफरेंस रखते हैं और प्लस वन करते हैं, जो मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा। तो ये हमारा एन आ जाएगा। 60 में से 2 माइनस किया 58, 2 से डिवाइड किया 29, 29 में 1 ऐड किया तो कितना आ गया 30 आ गया। आप लोग यहाँ अगर दिक्कत आ रही है तो आप लोग देख लो 58 आएगा, 2 से कैंसिल आउट करोगे तो 29 आएगा, 29 में 1 ऐड करोगे तो कितना आएगा 30 आएगा। अब इस सीरीज का जो योग होगा, जो सम होगा वो क्या होगा, तो उसके ऊपर भी अपन लोग बात कर लेते हैं कि इस सीरीज का जो सम होगा यानी जो योग होगा वो क्या होगा। तो हम लोग इस सीरीज के सम के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि सम क्या होगा। तो पहले इसी से हम चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। अंतिम पद कितना है 60, पहला पद कितना है 2, अपॉन में कितना 2 और इन टू में कितना एन, एन कितना तो 30। भाई 60 और 2 62, या फिर आप लोग इसको कैंसिल कर दो कितना 15, 15 और 60 और 2 62, और 62 का अगर आप लोग 15 में गुणा करोगे तो कितना आएगा, तो इसके ऊपर अपन लोग बात कर लेते हैं कि भाई इसका इनटू करोगे तो कितना आएगा, तो आएगा हमारा 930, कितना आएगा तो 930। या आप ऐसे करें, या आप ऐसे करें 60 और 262, 2 से कैंसिल आउट करो 31 का 30 में इनटू करो तो 930। आगे अब इसको मेथड नंबर 2 से मैं आप लोगों को बताता हूँ, इसको मेथड नंबर 2 से मैं आप लोगों को बताता हूँ कि भाई मेथड नंबर 2 से कैसे होगा। तो हम इसको मिटाते हैं, मेथड 2 से कैसे होगा ये क्वेश्चन। तो मेथड नंबर 2 में, मेथड नंबर 2 में हम लोग क्या करते हैं, तो मेथड नंबर 2 में हम लोग करते हैं कि भाई ऐसा है कि ये जो सीरीज है वो कैसी है, इवन नंबर वाली सीरीज है, सम संख्याओं वाली सीरीज है। सम संख्याओं वाली अगर सीरीज रहती है तो उसमें कुल पद कैसे ज्ञात करते हैं, कुल पद कैसे ज्ञात करते हैं, तो उसका डायरेक्ट फार्मूला रहता है कि आपके पास जो अंतिम पद है, अंतिम पद है यानी जो लास्ट नंबर है उसको आप 2 से डिवाइड कर दो, 60 है लास्ट पद हमारा, उसको 2 से डिवाइड कर दो 30 आ जाएगा, यानी n कितना आ जाएगा 30। तो यहाँ n कैलकुलेट करने के लिए यानी n ज्ञात करने के लिए आपको ज़रूरी नहीं है आप लोग इस वाले कॉन्सेप्ट को लगाएं, जो सम संख्याएं जो हमारी रहती हैं या सम संख्याओं वाली जो सीरीज रहती है उसमें हम लोग n को इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे सम अगर जो संख्या है हमारी, ठीक, यानी इवन जो नंबर हैं उस सीरीज का अगर हम लोगों को योग ज्ञात करना है तो फिर क्या करते हैं, तो फिर सम संख्याओं का योग या प्रथम n सम संख्याओं का योग, प्रथम n सम संख्याओं का योग, प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या रहता है, तो प्रथम n सम संख्याओं का योग n n प्लस वन क्या रहता है, n n प्लस वन। यहाँ n की वैल्यू कितनी है 30 है, और 30 और 1 31, n की वैल्यू कितनी है 30, तो 30 में अगर आप लोग 1 जोड़ोगे तो 31, और 31 का 30 का इनटू करोगे तो 930। तो इस वाली मेथड से भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो सम वाली सीरीज है उसका योग यानी सम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप इस मेथड से भी कर सकते हो, परंतु जो सीरीज है वो हमारी कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, पहले सम नंबर से यानी 2 से स्टार्ट होना चाहिए। अगर 2 से स्टार्ट नहीं है यानी 2 से चालू नहीं है तो आप उसको पहले 2 से चालू करो, जैसा मैंने पुराना क्वेश्चन बताया था, और फिर जो आप ऐड करते हो उसको माइनस कर दो, तो उसमें भी हम लोग इस कॉन्सेप्ट को लगा सकते हैं। तो ये हो गई हमारी मेथड नंबर 2। अगली मेथड नंबर 3 कि इसमें डिफरेंस भी सेम है, अगर इसमें डिफरेंस सेम है तो फिर आप लोग क्या कर सकते हो, समांतर श्रेणी लगा सकते हो। अगर इस सीरीज में भी डिफरेंस सेम है तो आप समांतर श्रेणी लगा सकते हो। तो यहाँ m3 पहला पद
टू एन 30 दो बार कैलकुलेट करके बता दिया। आगे लास्ट नंबर 60 दिया है, लास्ट नंबर 60 आगे लास्ट नंबर 60 ए यानी पहला नंबर लास्ट नंबर 60 एन कुल पदों की संख्या 30। तो मैंने अभी आप लोगों को फिर योग का बताया डायरेक्ट फॉर्मूला, आप क्या लगा सकते हो एन अपॉन टू। अगर अंतिम पद समांतर श्रेणी का दिया है तो आप लोग इसको लगा सकते हैं। तो 60 हमारा अंतिम यानी लास्ट नंबर है, यहाँ एन अपॉन टू यानी 30 अपॉन टू अभी लिखते हैं ए प्लस एल, ये यहाँ प्रथम पद है, एल यहाँ अंतिम है यानी लास्ट नंबर है, एन हमारा कुल पदों की संख्या है। तो एन की वैल्यू जो है वो 30 है अपॉन में टू, फर्स्ट नंबर जो है वो हमारा टू है, लास्ट नंबर जो है वो 60 है। अब आप लोग चाहें तो इससे कैंसिल आउट कर दें कि भाई इससे कैंसिल आउट 15 और ये 60 और 2 62 का आप लोग 15 में इंटू करोगे तो 930। तो ये हमारा इस सीरीज का क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। तो आज हम लोगों ने ये तीन क्वेश्चन किए, आप लोगों को जो मेथड उचित लगे जिस क्वेश्चन के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताया कि जिसमें आप लोग हर क्वेश्चन में इसको लगा सकते हो, और फिर जो सीरीज हमारी वन से स्टार्ट होती है आप उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट और लगा सकते हो, जो सीरीज हमारी बीच से स्टार्ट होती है उसमें और कौन सा कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, जो सीरीज हमारी इवन नंबर यानी सम संख्याओं वाली होती है उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, आगे हम लोग अगले लेक्चर में बात करते हैं। ओके, थैंक यू।